पंजाब में चलने वाली वो फैक्ट्रियां जो माहौल दुश्मन है, अब उनके खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन हो रहा है। वक्त हमारे लिए जो ज़रूरी है आगाही मुहिम, लेकिन साथ साथ इन्फोर्समेंट एक्शन। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्मॉग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें स्मोक का जो एलिमेंट है उसमें हमारी इंडस्ट्री है, क्रॉप बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, व्हीकुलर एमिशंस है। एक कोई भी GPS इनेबल्ड कैमरा डाउनलोड करें और उस डाउनलोड करने के बाद तस्वीर खींचें। अगर आपको कहीं से स्मोक नज़र आती है, कहीं क्रॉप फील्ड बर्निंग नज़र आती है या कहीं वेस्ट डिपॉजिट को बर्निंग हो रही है, तो आपने सिंपली उसकी एक तस्वीर खींचनी है, वो जियो स्टैम्प्ड होगी, उस पर डेट और टाइम होगा, आगे हमारा काम है। देखें, ये तो एक कॉन्शियसनेस लेवल है जो हमने जनरेट करना है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो मैनेजर्स इसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ जो वर्कर्स हैं जिनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, प्राइमरीली उनके ऊपर फोकस करना है कि दे शुड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि खाली बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाना, बाकी लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना है। जुर्माने भी हो रहे हैं और जुर्माने रिकवर भी किए जाएंगे। अगर नहीं आएंगे, सीलिंग की जाएगी, बिल्कुल क्लियर है जी, इसके ऊपर देयर इज जीरो टॉलरेंस। फोन कॉल वगैरह रिसीव हुई है कि माफी दे दें या छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूँ सैयद अली रजा। पूरे पंजाब में चलने वाली वो फैक्ट्रियां जो माहौल दुश्मन है, अब उनके खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन हो रहा है। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं और सिर्फ लाहौर में अगर मैं स्टील मिल्स की बात करूं तो 337 स्टील मिल्स सिर्फ लाहौर के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम स्टील मिल्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है, जो ख़ास तौर पर माहौल दुश्मनी में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रही हैं, और इसके लिए सेक्रेटरी माहौलियात की जानिब से एक ख़ास तौर पर विजिलेंस सेल भी तैयार किया गया है। ये सेल किस तरह काम करेगा और पूरे पंजाब को किस तरह इस आलूदगी से बचाना है और इसमें शहरी अपना क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ये आज के इस सेगमेंट में आपको तफसीलन बताएंगे और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की जानिब बढ़ेंगे। और इस क्रैक डाउन में हमारे साथ पूरी की पूरी महकमा माहौलियात की टीम मौजूद है, हमारे साथ जुड़े रहिए। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है यहाँ पर? आज तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ बड़ा क्रैक डाउन हो रहा है। देखें जी, इस वक्त स्मॉग का सीज़न शुरू होने वाला है। तकरीबन 10 अक्टूबर से जो कटाई है चावल की फसल की, वो भी शुरू हो जाएगी और हम एक ऐसे स्पेल में चले जाएंगे जब टेम्परेचर भी डाउन हो रहा होगा और विंड स्पीड भी लो हो रही होगी। तो ऐसे मौके के ऊपर स्मॉग का हो जाना एक नेचुरल अमर है। इस वक्त हमारे लिए जो ज़रूरी है आगाही मुहिम, लेकिन साथ साथ इन्फोर्समेंट एक्शन। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्मॉग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें स्मोक का जो एलिमेंट है उसमें हमारी इंडस्ट्री है, क्रॉप बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, व्हीकुलर एमिशंस है। तो आज हमारी जो मीटिंग थी जिसमें लाहौर के और पूरे पंजाब के माहौलियात के और ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स इकट्ठे थे, हमारा यही रिजॉल्व था कि हमने पूरी कोशिश करनी है कि एक कैंपेन जिसको हम कह रहे हैं मिनिमाइज स्मॉग इन 2023, MS 23 इसका ब्रीफ है, वो कामयाब हो। और उस सिलसिले में जहां हुकूमत और हुकूमती अदारों ने अपना रोल अदा करना है, वहां मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी कहना चाहूँगा कि आवाम इसमें भरपूर तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं। और उस सिलसिले में आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने स्मार्टफोन पे एक कोई भी GPS इनेबल्ड कैमरा डाउनलोड करें और उस डाउनलोड करने के बाद तस्वीर खींचें। अगर आपको कहीं से स्मोक नज़र आती है, कहीं क्रॉप फील्ड बर्निंग नज़र आती है या कहीं वेस्ट डिपॉजिट को बर्निंग हो रही है, तो आपने सिंपली उसकी एक तस्वीर खींचनी है, वो जियो स्टैम्प्ड होगी, उस पर डेट और टाइम होगा, आगे हमारा काम है। तक कितने आप जुर्माने कर चुके हैं, कितने लोगों ने आपको यकीन दहानी कराई है कि मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ, हर पैदा होने वाला जो आंसर है उसको ख़त्म करने की कोशिश? देखें, ये तो एक कॉन्शियसनेस लेवल है जो हमने जनरेट करना है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो मैनेजर्स इसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ जो वर्कर्स हैं जिनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, प्राइमरीली उनके ऊपर फोकस करना है कि दे शुड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि खाली बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाना, बाकी लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना है। आपका जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक 184 ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जो इस इलाके में कायम हैं। उनमें से इट्स गुड टू नो कि 97 ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर ये प्लांट ऑलरेडी बन चुका है। 35 ऐसे हैं जिन पर ये काम हो रहा है। तो
तो तकरीबन 70-75% पे हम अचीव कर चुके हैं। बाकी जो है उसके ऊपर जुर्माने भी हो रहे हैं और जुर्माने रिकवर भी किए जाएंगे। अगर नहीं आएंगे सीलिंग की जाएगी, बिल्कुल क्लियर है जी। इसके ऊपर देयर इज़ जीरो टॉलरेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द पीपल ऑफ लाहौर। और जितनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है ग्लोबली क्या कहा जाता है, तकरीबन 4.5 साल एक ऑन एवरेज जो है ना लाइफ रिडक्शन हुई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक इशूज, स्मॉग और इन्वायरमेंटल इशूज। तो लिहाजा हमारे आने का मकसद आगाही फैलाना है, आपके थ्रू ही मैसेज दिलवाना है तमाम सिटीजन्स को ऑफ पंजाब, उनको इंगेज और रोप इन करना है कि आप इस तरह से हमें एक नंबर आप काइंडली नोट कर लीजिए, इट इज़ 0321-098-0980। और इस नंबर पे आप हमें एक GPS इनेबल्ड तस्वीर भेज दें, आगे फिर हम जाने और हम ज़िले का डिप्टी कमिश्नर जाने। सोसाइटी के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप सबका, मेरा, कि हम इसमें इन लोगों का साथ दें। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में एन जैसी और इंडस्ट्री में, चूँकि मालकान का होना बहुत कम शाज़ो नाज़िर होता है, मैनेजर टाइप लोग होते हैं, उन्होंने फ़ोन कॉल करानी होती है, कुछ फ़ोन कॉल वगैरह रिसीव हुई है कि माफ़ी दे दें या छोड़ दें या कोई? मेरे तो अभी 24 घंटे हुए हैं चार्ज लिए को, ना मुझे कोई फ़ोन कॉल आई है और उम्मीदें आएगी भी नहीं। सब मेरा मैसेज जो है, मैं खैर जो जानते हैं वो समझते हैं, जो नहीं जानते वो समझ जाएंगे। यहाँ पर ये जो बंदा काम कर रहा है और ये स्टील मिल रहा है यहाँ पर, लोहा ही लोहा है, यहाँ इन वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, ये जो है ना ये डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जो, ये बिल्कुल आपका रेलिवेंट और पर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखें, ये खुद भी मैनेजर साहब साथ आ जाएं, करीब आ जाएं, ये हैं साहब, इनसे मैं कहूँगा कि आपने खुद तो ये कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे, हमारे कुछ कल्चरल इशूज़ हैं और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ये नहीं करते, लेकिन ये जो मास्क है, बल्कि कैमरे में दिखाएं जी, मास्क देने में कोई हर्ज नहीं। इनको कन्विंस करें, खुदा ना खास्ता इतना स्मोक जो इनहेल करेंगे ये इनके लंग्स का बना, तो ये इनके जब ये काम शुरू कर रहे होते हैं तब इन्होंने मास्क पहने, उसके बगैर जितनी हीट होती है उसके बगैर ये काम नहीं कर सकते। देखिए बात सर ये रखा होता है, आप भी यहाँ पे रहते हैं, सुने ये जहाँ पे जितने वर्कर्स हैं वो आपके भाई बच्चे बुजुर्ग हैं जी, खुदा ना खास्ता इनकी सेहत को कुछ हुआ तो आप भी उतने ही जिम्मेवार होंगे ना। तो ये जो चीज़ें जो सिंपल सी हैं, हमने आप मीडिया में भी बात की है, आप इस पर तवज्जो दें। आप देखेंगे हम ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा जो हम इसको तामीर करवा रहे हैं, बाकी ऐसा है कि हम इसके ऊपर जी हम ये इनके डिज़ाइन लेके जा रहे हैं। ये कहाँ के हमारे ये PhD हैं, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर साहब, इनके हवाले करेंगे कि ये जो इतने हमारे पास क्वालिफाइड टीम्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हैं, महकमा मौलियात में हैं, इनका काम अब वहाँ से निकल के, एकेडेमिया से निकल के चीज़ों को पढ़ के, वो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, इम्प्लीमेंटेशन अप्लाइड साइंस देखती है कि अगर आप वहाँ पर इतना कुछ बेहतर बताते हैं एक्चुअली फील्ड में क्या होता है। मैं ये बता रहा हूँ यानी इतना यहाँ पर ये शायद लाखों रुपये खर्च भी कर दें, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये प्लांट ना चला तो हमें तो डिज़ायर्ड अचीव नहीं हुए। इसी तरीके से हमारे ये ऑफिसर्स बड़े सीनियर और बड़े पढ़े लिखे हैं, ये मेरे साथ मूव कर रहे हैं ताकि हम ये देखें कि खाली दफ्तर में बैठे काम नहीं होना, काम का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आने। पंजाब भर में किस तरह क्रैक डाउन किया जा रहा है और मुआशरे की दुश्मन फैक्ट्रियों के खिलाफ इस वक्त जिस तरह शिकंजा टाइट हुआ है और ख़ास तौर पर विजिलेंस सेल बनाया गया है, ये काबिल तहसीन अमल है। अब देखना ये है कि क्या ये जो अब होने वाला स्टार्ट है इससे पूरे पंजाब की आबो हवा में, पूरे पंजाब की फ़जा में किस तरह की तब्दीलियां वाके होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।